सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सभी ने अध्याय एक मेरा जो पहला वीडियो था वर्णमाला का वो बहुत अच्छे से देखा होगा, उसे समझा होगा और उसे याद भी किया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना अध्याय दो, और जिसमें मैंने बोला था कि मैं आपको वर्णमाला याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको वर्णमाला याद करने का पूरा तरीका बताऊंगा अच्छे से और बहुत आसान तरीके से, ठीक है। जिसमें आप आज मैं आपको अध्याय दो पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार जो आपने वर्णमाला सीखी है उसको बनाने का तरीका, यानी व्यंजन किस किस प्रकार से बनाए जाते हैं आप अभी समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको उसको देखकर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा व्यंजनों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो इनमें मैंने आपको लिखा हुआ है, देखिए व्यंजनों के प्रकार, ठीक है, जो शॉर्ट हैंड है उसमें जो वर्णमाला है ये सबसे अहम मेन और सबसे जरूरी चीज है कि हमें पहले सबसे पहले वर्णमाला को बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आसानी से बहुत प्यार से धीरे धीरे हमें इस चीज को सीखना है, ठीक है। कोई जल्दी तो नहीं है आप सभी को, बिल्कुल आराम से, ठीक है। देखिए सबसे पहले आगे की ओर जाने वाले व्यंजन, इसका मतलब मैंने आपको बताया था क ख ग घ म न और अंग, ये सभी व्यंजन आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। सभी व्यंजन कहां जाते हैं, आगे की ओर, ठीक है। जैसे मैं बना के दिखा देता हूं आपको एक बार, देखिए का हमारा आगे की तरफ जाता है, देखिए आप मेरा हाथ देखिए बिल्कुल आगे की तरफ जाएगा, यहां से मैंने अपना कलम स्टार्ट करा और आगे की तरफ गया, ठीक है। इसको बीच में से कट कर देते हैं। इसके बाद गा गहरा और घा गहरा डैश, उम्मीद है आप सभी ने प्रैक्टिस तो की होगी। मैंने बोला था आप सभी से कि आपको अपनी शॉर्ट हैंड की कॉपी लेना है और उसमें एक पेज में एक वर्ड को एक व्यंजन को प्रैक्टिस करना है हर पेज के साथ में और उसको याद करना है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मां, देखिए ऐसे ही बनता है मां, आगे की तरफ जा रहा है, आप इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, ये भी मां होता है हमारा आगे की तरफ। इसी प्रकार से न, ठीक है, यह भी आगे की तरफ जा रहा है और ये हमारा अंग जो कि हमारा गहरा बनता है, ठीक है, ये एक बार आप ध्यान रखिएगा गहरा बनता है, ठीक है। ये सभी व्यंजन कौन से हैं, आगे की तरफ, ठीक है, जो आगे की तरफ जाते हैं वो सभी व्यंजन है। देखिए इसके बाद नीचे की ओर जाने वाले व्यंजन, ठीक है, देखिए इनमें अंबन बनाते हैं, जैसे पा नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद फ नीचे की तरफ जाता है डैश, ठीक है, ये हल्के होते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। बा गहरा और भा गहरा, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत, नीचे की तरफ जाने वाले व्यंजन है ये, ठीक है। इसके बाद चा छ ज झ, ये भी नीचे की तरफ जाने वाले व्यंजन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझें, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है जब हम व्यंजनों को मिलाएंगे, ठीक है, हम इनको मिलाएंगे तो आप अपने हिसाब से उनको देखना है आपको कि मिलाते समय जब हम व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे, मैं अपने अध्याय तीन में आपको सिखाऊंगा उस चीज के बारे में, लेकिन जब हम उस अध्याय तीन को पढ़ेंगे तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मुझे व्यंजन नीचे की तरफ ले जाना है या ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। देखिए ता हमारा नीचे की तरफ आता है, ठीक है, था हमारा नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ड हमारा नीचे की तरफ आता है और ढ हमारा नीचे की तरफ आता है, गहरा डैश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे
इसी प्रकार से त थ एक बात और फ्रेंड्स, आप यदि अपनी शॉर्ट हैंड की कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं और इसमें व्यंजन थोड़े से इधर उधर बन रहे हैं, पर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से बनाएं, ठीक है। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स है वो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा उस चीज से, ठीक है। तो आप उसको बहुत अच्छे से देखें और अपनी कॉपी में जितनी अच्छी क्वालिटी में आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी शॉर्ट हैंड आपकी रहेगी, ठीक है ना। ये सभी व्यंजन कौन से हैं, नीचे की तरफ जो व्यंजन है सारे हम नीचे की तरफ बना रहे हैं सारे, ठीक है ना। देखिएगा आप सारे नीचे की तरफ बना रहे हैं। इसके बाद आप देखिए मैंने कुछ व्यंजन इसमें ऐसे हैं जो हमारे दो तरीके से बनते हैं, दो तरह से बनाए जाते हैं, तो इसमें जो एक नीचे की तरफ भी बनते हैं और ऊपर की तरफ भी बनते हैं, जैसे कि हा, ठीक है। हा हम इसमें केवल एक ही बनाएंगे क्योंकि एक ही हा है हमारा जो नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। एक हा हमारा ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। शाह हमारे दोनों नीचे की तरफ बनते हैं, ठीक है, और ये दोनों व्यंजन हल्के होते हैं। ऐसे ही रा, रा जो हमारा होता है वो कैसा बनता है, वो भी एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो हम रा को नीचे की तरफ वाला इसमें बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अड़ा होता है वो हमारा एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, नीचे की तरफ आने वाला अड़ा, ठीक है। इसमें भी ये वाला अड़ा बनाएंगे नीचे की तरफ आने वाला, और दो ला मैंने आपको बताए थे, ठीक है, तो उन दो ला में से हमें इसमें कौन सा बनाना है, नीचे की तरफ आने वाला, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो भी नीचे की तरफ आने वाले व्यंजन है वो ये सारे ये वाले हैं, आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब अध्याय तीन हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ऊपर की ओर जाने वाले व्यंजन, जो भी व्यंजन ऊपर की तरफ जाते हैं, जो भी व्यंजन ऊपर की तरफ जाते हैं हम उन व्यंजनों को इसमें प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा मैंने बताया था या हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो हम इसको ऊपर की तरफ बनाएंगे। एक राह हमने नीचे की ओर बनाया है और एक राह हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है। एक ला हमने नीचे की ओर बनाया था तो एक ला हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है। वह हमारा ऊपर की ओर ही बनता है तो उसको भी हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है। एक हा हमने ऊपर की ओर नीचे की ओर बनाया था, एक हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है। एक हा एक अड़ा हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है। एक अड़ा हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ठीक है। ये सभी व्यंजन ऊपर की ओर जाने वाले हैं, ठीक है, सभी व्यंजन। तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद है हमारे टेढ़े व्यंजन, कौन से व्यंजन, टेढ़े व्यंजन। अब टेढ़े व्यंजन का मतलब जो व्यंजन कर्व होते हैं यानी मुड़ते हैं वो सभी व्यंजन टेढ़े होते हैं। तो जो वर्णमाला के अंदर जितने भी व्यंजनों के प्रकार होते हैं वह चार ये प्रकार होते हैं, कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं, एक आगे की तरफ जाने वाले, एक अपने नीचे की तरफ जाने वाले, एक अपने ऊपर की तरफ जाने वाले, और चौथा जो होता है वो होते हैं टेढ़े व्यंजन। तो इसमें आप देखिएगा सारे टेढ़े व्यंजन हैं, जैसे कि सा, सा हमारे दोनों कर्व होते हैं, ठीक है, होते हैं, तो इनको भी हम टेढ़े व्यंजनों में लेंगे। मा हमारे दोनों टेढ़े होते हैं, इनको भी हम टेढ़े व्यंजनों में लेंगे, ठीक है। ना हमारे टेढ़े होते हैं दोनों कर्व, तो उनको भी हम टेढ़े व्यंजनों में लेंगे। रा हमारा एक ही जो होता है वो टेढ़ा होता है, इसलिए हम इसमें एक ही रा को लेंगे, क्योंकि जो हमारा दूसरा रा होता है ऊपर की तरफ जाने वाला वो स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है, इसलिए वो टेढ़े व्यंजनों में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमारा ता है, ता भी हमारा टेढ़ा व्यंजन है, ठीक है। था है, था भी हमारा टेढ़ा व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दा है, दा भी हमारा टेढ़ा व्यंजन है, और जो धा है
धा भी हमारा टेढ़ा व्यंजन है, ठीक है। और ये गहरे होते हैं क्योंकि मैंने देखिए कलर चेंज कर दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे सभी बच्चों ने प्रैक्टिस तो जरूर करी होगी, है ना, तो हल्के गहरे का समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार और मेरे वीडियोस को देख लेना आप, और इसमें भी मैं आपको समझाता जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये अड़ा, क्योंकि ये अड़ा रा की तरह बनता है और ये टेढ़ा होता है, इसलिए इसको इसमें लिया गया है। हमने जो हा वाला अड़ा है उसको नहीं लिया है क्योंकि वो सीधा बनता है, उसको नहीं लेंगे इसमें। और ये अंगहा, ये गहरा बनता है ना की तरह, ठीक है। तो ये भी एक टेढ़ा व्यंजन है। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से व्यंजन किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक बार हम फिर से उसमें ट्राई कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले व्यंजनों के प्रकार हैं, उसमें आप देख लीजिए आगे की ओर जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। क ख ग घ म न अड़, ठीक है। अंगा ये हमारे आगे की ओर जाने वाले व्यंजन हैं। इसके बाद नीचे की ओर जाने वाले व्यंजन प फ ब भ च छ ज झ त ठ ड ढ त थ द और ध, ठीक है। ह श र अण अंग और ल, ठीक है। ये सभी व्यंजन हमारे कौन से हैं, नीचे की तरफ आने वाले, ठीक है। सभी व्यंजन हमारे कौन से हैं, नीचे की तरफ आने वाले। इसके बाद ऊपर की तरफ वाले व्यंजन आप एक बार और देख लीजिए, य र ल व ह अण अण, ठीक है। इसके बाद टेढ़े व्यंजन भी देख लीजिए, श म न र त थ द ध अण अंगा। ये सभी व्यंजन कौन से हैं, टेढ़े व्यंजन, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये सब याद हो गए होंगे अच्छे से, और नहीं हुए होंगे तो आप बहुत आसानी से इनको बार बार देखकर अपनी कॉपी में, स्टेनो की कॉपी में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा किसका, वर्णमाला याद करने का, ठीक है। तो मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, आप लोग रेडी हो जाए। देखिए एक सर्कल बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, सर्कल बनाया हुआ है, एक चक्र टाइप का, उसके अंदर मैंने लाइनिंग खींची हुई है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं इसमें आपको कैसे याद करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, एक बार आप स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले एक ये सीधी लाइन आपको दिख रही होगी, ये हमारे शॉर्ट हैंड में कैसे बनता है, सभी को याद हो गया होगा। ये हम का बनाते हैं, का प्रदर्शित होता है ना सीधा, तो आप इससे उसको याद कर सकते हैं। का के साथ में हमारे कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, क ख ग घ, ठीक है। तो एक लाइन से आपको चार व्यंजन याद हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हम किस टाइप से बनती है, बिल्कुल सही बताया, ट ठ ड ढ, ठीक है। इस टाइप से ये बनता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन से आपने क्या सीख लिया, ट ठ ड ढ, गुड, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या बनाते हैं, हम इस टाइप से क्या बनाते हैं, इसको बताइए सभी बच्चे, बताइए क्या बनाते हैं, इसको हम शाह बनाते हैं ना इस टाइप से, और इधर से भी बनाते हैं शाह को, देखिए बनाते हैं शाह को। तो ये दोनों व्यंजन हमें, दोनों लाइनें क्या बनवा रही हैं, शाह, ठीक है, सभी को याद हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद हम आगे निकलते हैं, देखिए यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ये क्या बना है, ना, और इसको अगर कट कर देते हैं तो ये मा भी बनने में आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपको याद नहीं हो रही है वर्णमाला तो, यहां से लेकर यहां तक हम ला बनाते हैं, ठीक है,
यहां से लेकर यहां तक हम रा बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से बनते हैं सभी व्यंजन। यहां से लेकर यहां तक हम दूसरा रा बनाते हैं, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक हम चा बनाते हैं, तो चा छा जा झा। यहां से लेकर यहां तक हम पा बनाते हैं, पा फा बा भा, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक पूरा ये क्या बनता है, मा, और हम कट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ना। इसमें सभी मतलब आपके मोस्टली जो व्यंजन्स हैं सारे एक इस चक्र के अंदर ही बने हुए हैं और अपन को बहुत अच्छे से आसानी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके व्यंजन बसते हैं, जैसे देखिए बाकी आपका क्या बचा, या बचा, ठीक है, ये रा मैंने आपको बता ही दिया, दोनों रा आपके हो ही गए हैं, ठीक है, तो या बचा आपका, क्योंकि या इसके अंदर नहीं है, ठीक है। या के बाद आपका वा बचा, ठीक है, वा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आपका हा बचा, हा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये अंगहा, मैं इसको आप ना को अगर गहरा कर देंगे तो ये अंगहा भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपको जो अगर वर्णमाला याद करने में कंफ्यूजन हो रही है, आप सोच रहे हो कि सर बार बार प्रैक्टिस करने के बाद नहीं आ रही, वैसे तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये वर्णमाला याद हो जाती है, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करने में नहीं याद हो रही है तो आप इस तरीके को, आसान तरीके को समझ सकते हैं। एक बार सर्कल बना लीजिए और उस हिसाब से सारी वर्णमालों को आप ड्रॉ कर लीजिए, बहुत आसानी से आपको ये वर्णमाला याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारे व्यंजन आपको इसी प्रकार से याद हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूं आप बहुत बहुत ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको शॉर्ट हैंड बता रहा हूं शायद ही कोई सिखाए, तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अध्याय में, अगले अध्याय में, अध्याय 3 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्यंजनों को मिलाने का नियम, ठीक है। जो भी व्यंजन है जिनको हम मिलाना सीखेंगे, अभी आपने पूरी वर्णमाला सीख ली है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।